हेलो दोस्तों, स्वागत करता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट और जीके एजुकेशन में। दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों को वेलकम। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि कितने सवाल सही जवाब देने से नेक्स्ट लेवल जो कि ग्राउंड ऑडिशन के लिए एलिजिबल होंगे आप सभी लोग, और क्या आप लोग गलती कर रहे हैं दोस्तों केवाईसी के आईवीआर के कॉलिंग के दौरान, सभी को बारीकी में समझेंगे दोस्तों। और कितने दिन कॉल आने वाला है आईवीआर कॉल और सभी कुछ डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप सभी लोग पूरा एंड तक देखें बिना स्किप करते हुए, तभी आप लोगों को दोस्तों वीडियो समझ में आएंगे। आप लोग स्किप कर देते हो इसलिए दोस्तों आप लोग मिस्टेक करते हो। तो वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बताने वाले हैं कि कितने आप लोग सही जवाब देने से दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट राउंड जो कि ग्राउंड ऑडिशन में आप लोग एलिजिबल होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी लोग हमारी चैनल के माध्यम से दोस्तों कम्युनिटी टैब पर पूछे थे हमने कि केवाईसी आईवीआर कॉल कितने सवाल सही जवाब दिए थे आपने। तो बहुत सारे दोस्तों ने कम्युनिटी टैब पर वोटिंग दिया था, 120 लोगों ने वोटिंग दिया था। पहले पर आप लोग देख सकते हैं, एक सवाल का सही जवाब दिए थे 38% लोग, दो सवाल का सही जवाब दिए थे 20% लोग, और ऑप्शन सी में थे दोस्तों तीनों सवाल का जिन साथियों ने जवाब दिए थे उन सभी लोगों ने 36% जवाब दिया थे, और ऑप्शन डी में थे एक भी सवाल का सही जवाब नहीं देते। तो जिन साथियों ने वोटिंग किया उन सभी दोस्तों का दिल से दोस्तों शुक्रिया पहले, और अभी तक जिन साथियों ने वोटिंग नहीं दिया तो आप लोग दे सकते हो दोस्तों हमारे चैनल पर वोटिंग दे सकते हो, कम्युनिटी टैब पर दिया हुआ है, आप लोग वोटिंग दीजिए। पहले सबसे पहले आप लोगों को तीनों सवाल का जवाब जिन साथियों ने दिए उन सभी दोस्तों का पहले रेंडोमाइज किया जाएगा। जिन भाइयों का रेंडोमाइजेशन में सॉफ्टवेयर के द्वारा चुना जाएगा उन सभी दोस्तों को ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉलिंग किया जाएगा। फिर बात आई कि जिन साथियों ने दो सवाल का सही जवाब दिया है, तो देखिए आप लोग यदि दोनों सवाल जीके का सही जवाब दिए है तो आप लोगों को कॉलिंग नहीं किया जाएगा। आप लोगों को एक जीके का सही जवाब देना है और एक एनटीए का सवाल का जवाब देना है दोस्तों, नियरेस्ट टू आंसर का आंसर आपको जवाब देना है, तभी आप लोगों को कॉलिंग किया जाएगा। जिन जिन साथियों ने एनटीए का सवाल एक जवाब दिया है और एक जीके का सवाल जवाब दिया है उन्हीं भाइयों का कॉलिंग किया जाएगा। रेंडोमाइज के तरीके से पहले किया जाएगा, जिन जिन का सेम नंबर सेलेक्ट होंगे उन्हीं को ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, इसलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं कि एनटीए का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। लास्ट में बचे एक सवाल का सही जवाब दिए है, क्या उन्हें कॉल किया जाएगा कि नहीं? तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, जिन्हें एक सवाल का सही जवाब दिए है उन्हें भी कॉल किया जाएगा, लेकिन प्रोसेस है क्या, जो तीनों सवाल का सही जवाब दिए है और दो सवाल का सही जवाब है, तो आप सभी लोग जानते हो कि ग्राउंड ऑडिशन में 20,000 लोगों को कॉल किया जाएगा। यदि इन सभी के कॉलिंग करने के बाद बचे हुए जो रहेगा दोस्तों, जैसे कि 20,000 लोगों को कॉल किया जाएगा तो 18,000 यदि यहाँ पर हो जाता है, 20,000 नहीं होंगे तो 18,000 यदि कॉलिंग कर दिया है और 2,000 जो बचे हुए रहेगा दोस्तों तो आप लोगों को कॉल किया जाएगा। जिनका एक सही जवाब है तो उन सभी दोस्तों को कॉलिंग किया जाएगा ग्राउंड ऑडिशन के लिए। तो आप लोगों को दोस्तों दो सवाल का आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, एक जीके का और एक एनटीए का। तो इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और जैसे ही वीडियो अपलोड कर देता हूँ दोस्तों आप लोग उस वीडियो को भी देखें ताकि आप लोग को कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए जब आईवीआर कॉल का दोस्तों रिकॉर्डिंग आता है तो आप लोगों को वीडियो तो मिल जाता है, तो आप लोग फटाक से देख लीजिए, और जब कॉलिंग आता है तो आप लोग को आंसर जरूर दीजिएगा। तो आई होप आप सभी लोग को पता चल गया कितना सही जवाब देना है दोस्तों केवाईसी की आईवीआर के दौरान दोस्तों, और क्या सही जवाब देना है सभी कुछ आप लोग को पता चल गया। नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आप लोग गलती करते हैं केवाईसी आईवीआर के दौरान दोस्तों कॉलिंग के दौरान, तो चलिए आप लोग बता देते हैं। तो देखिए आप लोगों को केवाईसी के तरफ से कोई भी नंबर से कॉलिंग किया जा सकता है, तो किसी भी नंबर से आप लोगों को कॉल किया जाए दोस्तों आप लोग सबसे पहले रिसीव जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा नेटवर्क आपके पास रहना चाहिए तभी आप लोगों को कॉलिंग आएंगे। और पहले दोस्तों आप लोगों को कॉलिंग के दौरान अपना भाषा चुनने के लिए कहा जाएगा, तो आपको मराठी के लिए एक को चुना है और इंग्लिश के लिए दो को आपको प्रेस करना है। जिस भाषा से आप लोग ऑडियो को सुनना चाहते हैं आप लोग चुनिएगा। फिर नेक्स्ट जो कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आप लोग केवाईसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है पहले? तो जरूर आपने दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया है, तभी तो आप लोगों को कॉलिंग आ रहा है। तो यस के लिए दोस्तों एक को आपको प्रेस करना है, और यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको दो प्रेस करना है। तो यदि आप लोग दो को प्रेस कर देते हैं तो आप लोग को वहीं पर दोस्तों डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि एक को प्रेस जरूर करें। रजिस्ट्रेशन आपने किया है, एक को आप लोग प्रेस करिएगा। फिर नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा आपका एंटर करिए एज, आपको दोस्तों वॉयस एंटर करना है,
यदि आप लोग का 25 वर्ष 11 मंथ है तो आपको 25 वर्ष आपको डरना है कि ना कि आपको 26 देना है दोस्तों। तो आपको 25 जरूर प्रेस करें, आपके मोबाइल कीपैड पर 25 आप लोग इंटर करें। फिर नेक्स्ट आपको जेंडर पूछा जाएगा, आपका जेंडर क्या है दोस्तों। तो यदि आप लोग मेल है तो 1 प्रेस करना है, फीमेल है तो 2 दबाना है, और यदि अदर्स है तो 3 दबाना है दोस्तों आप लोगों को अपना मोबाइल कीपैड पर। फिर नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि आप लोग इसके आगे कभी भी व्हाट्सएप पर गए हैं दोस्तों केवीसी मराठी में। तो यदि आप लोग इससे पहले केवीसी शो में व्हाट्सएप पर यदि आप लोग गए होंगे दोस्तों इससे पहले, तो आपको एस के लिए 1 दबाना है, और यदि आप लोग नहीं कभी भी केवीसी मराठी के लिए कभी भी व्हाट्सएप पर नहीं गए तो आप लोग को 2 प्रेस करना है। यदि आप लोग 1 को प्रेस कर देते हैं दोस्तों, हमने कभी व्हाट्सएप पर गए हैं केवीसी मराठी पर, एस को यदि आप लोग कर देते तो वहीं पर आप लोग को कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आप लोग व्हाट्सएप पर गए तभी आप लोग एस को प्रेस करें, नहीं तो आप लोग को 2 प्रेस करना है दोस्तों। फिर आपके सामने 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके का, पहले 2 जीके का क्वेश्चन पूछेगा, तीसरे में आपको नियरेस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप सभी लोगों को पता है कि नियरेस्ट टू क्वेश्चन का क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि कल पूछा गया था मुंबई की पुणे एक्सप्रेस वे का कितनी दूरी है, तो आप सभी लोगों को पता है कि 94.5 है दोस्तों। तो आप लोग 95 भी दे सकते थे या 94 भी दे सकते थे दोस्तों, नियरेस्ट आपको देना है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को जो कि नियरेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको स्टार या हाच आपको प्रेस करना है लास्ट में, नहीं तो दोस्तों वहां पर ओमान्य कहा जाएगा, इसलिए आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। तो स्टार और हाच आपको प्रेस करना है लास्ट का क्वेश्चन में, तभी आप लोगों को मान्य कहा जाएगा, नहीं तो ओमान्य हो जाएगा दोस्तों, आपका जवाब देना या ना देना समान हो जाएगा, इसलिए स्टार ऑफ हाच आपको प्रेस करना है। और लास्ट जो कि आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों, कितने दिन और चलने वाला है केवीसी का आईबीआर कॉल, तो बता देते दोस्तों आप लोगों को टर्म कंडीशन बताया गया था 22 मार्च से चलने वाला है, तो दोस्तों ये डेट बढ़ भी सकता है, 23 या 24 तक आप लोगों को कॉलिंग आ सकता है आईबीआर कॉल, तो आप लोग जरूर एक्टिव रहे अपने मोबाइल पर। तो दोस्तों ये थे आज का वीडियो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों वीडियो को, मिलते हैं कोई और एक वीडियो, तब तक के लिए सभी का टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।